हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एडी टेकटॉक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2019 में आप कैसे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं आप अगर फॉलो करें उसको, आप जल्दी ही जो 90 डेज़ का कोर्स होता है यूट्यूब का, उसमें आप अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए चार ऐसे मैं आपको टिप्स बताऊँगा जिसे आप फॉलो करके बहुत बढ़िया आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप पा सकते हैं। दोस्तों, जो पहला टिप्स है वो है बी रियलिस्टिक। आप जो अपना कंटेंट है एकदम रियल चीज़ें उसमें डालिए, कोई भी झूठ की बातें ना डालिए। आप मान लीजिए आप कोई झूठ मूठ का बातें बोल के कि इससे ये होगा, इतना पैसे कमा सकते हैं, आपकी वीडियो पे 1 मिलियन या 5 लाख व्यू आ गए और आपका जो वीडियो है उसको देख के लोगों ने फॉलो किया, वही चीज़ें की और उनको नहीं मिला, तो वो आपका चैनल सबसे यही बोलेंगे कि आपका चैनल बेकार है, फेक न्यूज़ देता है, ये है। फिर धीरे धीरे आपका जो चैनल है आपका रैंकिंग गिरने लगेगा और अब लोगों के मतलब जो आपका चैनल का नाम ही देख के लोग उसको कोई क्लिक ही नहीं करेगा, ये बंदा झूठ बोलता है। एग्जाम्पल के लिए अभी क्या हुआ हाल में बताता हूँ कि अभी गूगल एडसेंस ने अपना जो पेमेंट था तो कुछ थैंक्स गिविंग कारण, जो US में एक उनका फेस्टिवल होता है थैंक्स गिविंग, उसके कारण उन्होंने अपना पेमेंट होल्ड पे रख दिया था, जो 21 तारीख को देते हैं उन्होंने नहीं दिया। तो बहुत सारे जो ऐसे यूट्यूबर हैं उन्होंने क्या किया कि न्यूज़ तो सही बताई, बाकी अपने साइड से जोड़ के बताया कि यूट्यूब का जो एडसेंस है गूगल वो इस मंथ पेमेंट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट मंथ करेगा, यूट्यूब की पॉलिसी है वो रूल नहीं तोड़ेगा। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि एडसेंस जो है वो पर मंथ का पेमेंट करता ही है, वो नेक्स्ट मंथ में नहीं करेगा, उसका ये भी रूल है, क्योंकि सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है और वो अपना टाइम नहीं अगर है तो 2 दिन आगे पेमेंट करेगा। तो गूगल एडसेंस ने 27th जो डेट थी उस पेमेंट कर दिया, बाकी जितने सारे यूट्यूबर थे उनकी सारी बातें फेक निकल गई। तो क्या हुआ, उनका वीडियो जो जो लोगों ने देखा सोचा था नेक्स्ट मंथ में पेमेंट आएगी, बस उनकी इसी मंथ में पेमेंट आ गई। तो इससे क्या हुआ, उनको लगा ये तो बंदा ऐसे ही बोला था, झूठ बोल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आप कंटेंट डालिए तो रियल डालिए। अभी यूट्यूब पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, एक भेड़ चाल का है, अगर उस जो वीडियो डाला वैसा तो सेम सब लोग बनाने लगते हैं, रिसर्च भी नहीं करते कि वो न्यूज़ सच है कि झूठ है, कि क्या वो सच में जो बातें कहेगी सच है, लेकिन नहीं, उनको बस भेड़ चाल है, कॉपी करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर वो चालू हो जाते हैं। दोस्तों, जो सेकंड टिप्स है वो है ऑडियंस। 2019 में अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये बात हमेशा आपको माइंड में रखना है कि आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से ही चलना है और क्या आपको ऑडियंस पसंद करती है, मोस्टली जो आपका किस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ हैं। आप जब भी अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि आपके सारे वीडियोज़ में कौन से टॉपिक वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो इससे आपको ये मिल जाएगा कि सारे वीडियो का ग्राफ होगा, आपको ये ग्राफ सर्च करना है कि कौन सा वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक को आप ज़्यादा वीडियो डालिए। अपने ऑडियंस के बारे में ये भी पता कीजिए वो किस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है, आपको साइड में रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि रियल टाइम में आप जाएंगे वहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगा कि इस टाइम पर आपके व्यूअर्स ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम पर ही आप 1 घंटे पहले अपलोड कीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके वीडियोज़ देख सकें। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप जो टॉपिक उनको चाहिए वो टॉपिक अगर अपलोड करते हैं तो वो आपके सारे वीडियोस पे व्यू बहुत ज़्यादा आएंगे और वॉच टाइम बढ़ेगा। इससे क्या होगा, यूट्यूब आपका चैनल प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा तेज़ी से, आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, आपकी व्यूज़ बढ़ेंगे और आपके बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जो आपका फेम बोल सकते हैं वो धीरे धीरे आपको मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, जैसे कि आप जैसे आपका 3 कैटेगरी है, जियो, पेटीएम और जो बाकी जो वेबसाइट बारे में बताते हैं, अगर आपके जियो के वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो 5 में से 3 वीडियो आप जियो के बारे में ही बनाइए, ज़्यादातर आप जहाँ तक आप कंटेंट मिले, या कोशिश कीजिए 2 वीडियो तक बनाइए क्योंकि जो ऑडियंस है आपकी वीडियोज़ पर ही आ रही है, तो जियो को टारगेट कीजिए, उसको वीडियोज़ बनाइए। उससे क्या होगा कि आपके 2 वीडियो का वॉच टाइम इतना हाई रहेगा, बाकी वीडियो जो है यूट्यूब पर प्रमोट करेगा, उनके ऑडियंस तक पहुंचा देगा, तो इससे आपका चैनल बैलेंस हो जाएगा और जल्दी ही आपका चैनल ग्रो करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा टिप्स है वो है स्पाई, मतलब जासूसी करना। आपके कंटेंट से रिलेटेड जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं आप उनका
सारे कंटेंट को देखिए और उसके हिसाब से वीडियो बनाइए। फिर आपको लगेगा ये तो फिर चोरी करना हो गया, पर इसे चोरी नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं जैसे टेक्निकल गुरु जी, शर्मा जी टेक्निकल, माई स्मार्ट सपोर्ट, टेक में तो बहुत सारे हैं, फूड में निशा मुदलिका जी हैं और न्यूज़ में भी द ललन टॉप चल रहा है, तो जितने भी ये चैनल है वो रिसर्च करके ही अपना कंटेंट बनाते हैं, वो खुद का नहीं होता, वो रिसर्च करते हैं फिर अपने हिसाब से कंटेंट रेडी करते हैं, कोई भी मतलब एक तरह से बोले सब कॉपी ही करते हैं, पर वो अपना जो थॉट है अपना आइडिया उसमें जोड़ के नया कंटेंट बनाते हैं, ये तो पुरानी ही चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है कि आप भी जितने सारे यूट्यूबर हैं आपसे रिलेटेड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपका टॉपिक लीजिए, जितना गूगल न्यूज़ है, जितना भी मतलब न्यूज़ से रिलेटेड जितना कंटेंट है फूड का, सब सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर उसके हिसाब से वीडियो बनाइए कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उनके चैनल पर जाइए देखिए उनके किस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो लोग क्या उनको पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई आपका जैसे फूड का चैनल है और आप किसी जो फेमस यूट्यूबर या कोई यूट्यूबर है उसके यहाँ जाते हैं, देखते हैं उसने शाही पनीर का वीडियो अपलोड किया और वहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि वो अच्छे से नहीं किया या अच्छी तरीके जो सही तरीके से बनना चाहिए उसने नहीं यूज़ किया, और कमेंट में भी पढ़ते हैं कि मैंने बनाया था टेस्टी नहीं बना, बाकी सब मतलब डिसलाइक भी ज़्यादा हैं या तो लाइक भी हो पर आपको लग रहा है कि ये कमी है, तो आप उसी टॉपिक लीजिए सेम, आप उसका वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो आपने टॉपिक लिया, सारा अपना नॉलेज जो है उस वीडियो में डालिए, सारा अच्छे से खाना बना के अपलोड कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि जो उसे देखेंगे और बनाएंगे ट्राई करेंगे कमेंट भी करेंगे और आपका शेयर भी करेंगे, कहाँ ये बंदा जो बताया है बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया तो दोनों ने है लेकिन आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, तो आपका धीरे धीरे जो चैनल है वो ग्रो करेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जब भी आप ये मैंने बोला था भेड़ चाल, जब भी आप किसी का कंटेंट देखिए तो सेम मत बोलिए, सेम कॉपी, मतलब आप क्या है आपको टॉपिक मिल गया, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है, तो आप रिसर्च कीजिए गूगल पे जितने भी सारे वेबसाइट है रिसर्च कीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पे, फिर जाके फिर वीडियो बनाइए और बहुत बढ़िया तरीके से बनाइए, भले आपका 2 दिन लगे पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि YouTube पे ज़रूरी नहीं है आप डेली एक वीडियो अपलोड करें, हफ्ते में 3 कर सकते हैं या हफ्ते में 1 कर सकते हैं, आपका 7 वीडियो आपका 3 वीडियो वो ज़्यादा मैटर करेगा, 3 वीडियो अगर 7 वीडियो पर भारी पड़ रहा है, तो आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए। दोस्तों जो यहाँ पे चौथा टिप्स है वो है वीडियो फ्रिक्वेंसी, आने वाले टाइम में YouTube पे इतना टफ कंपटीशन हो गया कि 2019 में आपको बहुत ही सारे न्यू यूट्यूबर पे मिलेंगे, आप जब भी कोई वीडियो सर्च कीजिए दिस वीक पे सर्च कीजिए देखेंगे तमाम चैनल हैं जो डेली अपलोड कर रहे हैं, इतना हाई कंपटीशन है, तो आप हफ्ते में 3 बार या तो वीक में 1 बार या तो डेली वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिए, क्योंकि आपका अगर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो YouTube की न्यू पॉलिसी के हिसाब से आपका रैंकिंग गिरा देगा, तो आपको अगर एक्टिव रहना है तो 7 डेज में 1 टाइम तो वीडियो आप अपलोड कीजिए, नहीं तो आप 3 टाइम भी कर सकते हैं और डेली कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है, यूट्यूब हो गया बहुत टाइट और इससे क्या हो गया है कि आपको ये समझना है कि यूट्यूब का नया पॉलिसी किस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं लोग को सपोर्ट करेगा जो उनके लिए काम करे डेली, ये ध्यान में रखना है कि आप YouTube की नई पॉलिसी पढ़ लें और उसके हिसाब से ही चलें, क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अपने हिसाब से टाइम देके वीडियो अपलोड कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो प्राइम टाइम होता है वीडियो अपलोड करने का वह 3 से 7 बजे तक होता है जो प्राइम टाइम है, बाकी भी टाइम है अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो अगर आपको नहीं मिल रहा है टाइम जो प्राइम टाइम में ये होता है कि इतने से इतने बीच में वीडियो अपलोड कर दीजिए, यही तो आपने व्यूवर्स के ऑडियंस के हिसाब से अपलोड करना है, फिर अपना ग्राफ देख के लेकिन फिक्स कर दीजिए मुझे सुबह ही वीडियो अपलोड करना है या दोपहर में ही करना है ऑडियंस के हिसाब से, अगर आप नहीं टाइम मिला है तो इतने बजे जरूर अपलोड कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में ये था कैसे 2019 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं, जो सारे टिप्स हैं उसे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपको अगर देखो YouTube भी है सबको मौका दे रहा है, खासकर जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा मौका दे रहा है, पर वो स्टार्टिंग में आपको मौका नहीं देगा, अगर मान लीजिए आपके वीडियो पे 5 व्यू आया तो कम कम ये तो सोचिए आप 5 लोग आपको देख रहे हैं, आज 5 है कल 10 है फिर 15 व्यू 100 लोग देखेंगे फिर 1000 10000 ऐसे करके आएंगे, उम्मीद मत छोड़िए, आप उनके बारे में सोचिए जो 5 लोग देख रहे हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, 5 से 10 होगा, तो आप कभी भी हार मत मानिए,
वीडियो अपलोड करते ही रहिए, तभी आपको जाके सफलता मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।